हेलो फ्रेंड्स, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में आपका स्वागत है। एक तरफ है हमारे साथ टाटा पंच का क्रिएटिव प्लस वेरिएंट, वहीं दूसरी तरफ है एकम्प्लिस्ट प्लस एस वेरिएंट। फ्रेंड्स, दोनों वेरिएंट्स की एक्स शोरूम एंड ऑनरोड कीमत आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोटा मोटी बात करें तो 20 से 25,000 रुपये की फ़र्क दोनों वेरिएंट में हमें देखने को मिलती है, और ऐसे में ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन से वेरिएंट्स को कंसीडर करें। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा और आपके लिए आपके ज़रूरत के अनुसार बेस्ट वेरिएंट को कंसीडर कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कार के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। दोनों का फ्रंट लुक राइनो शेप डिज़ाइन के साथ आता है और एक बड़ी एसयूवी से रिजेंबल करती है। दोनों में एलईडी डीआरएल्स ऊपर में देखने को मिलते हैं, बगल में इंडिकेटर। यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है जो कि लेफ्ट से लेकर राइट डीआरएल को कनेक्ट करती है। टाटा का लोगो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं, साथ में आपको फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाती है दोनों ट्रिम्स में। यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाती है जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाती है। साथ में बात करें तो ब्लैक आउट पोर्शन के साथ कंप्लीट नीचे का बम्पर देखने को मिलता है। 187mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि क्रिएटिव प्लस में आपको डुअल टोन ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए ऊपर में आपको ब्लैक देखने को मिल जाती है, वहीं एकम्प्लिस प्लस सिंगल टोन कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको टाटा पंच का फ्रंट लुक कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था कंप्लीट फ्रंट लुक, कोई भी चेंजेस दोनों वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी कार काफ़ी अच्छी लगती है और टाटा हैरियर से इंस्पायर्ड देखने को मिलती है। पहला चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वो क्रिएटिव प्लस में 16-इंच अलॉय व्हील्स हैं जो कि डायमंड कट फिनिश के साथ हैं। वहीं आपको एकम्प्लिस प्लस में 15-इंच स्टाइल व्हील्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक व्हील कवर दिया गया है। दोनों में आपको पैसिव एंट्री मिलती है, इसलिए डोर पे आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये ड्राइवरी साइड डोर पे, उस साइड में हमें देखने को नहीं मिलते। बाकी जो ORVMs हैं उसी पे हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। बाकी रूफ रेल्स दोनों वेरिएंट में देखने को मिलती है। एकम्प्लिस प्लस में हमें सनरूफ भी देखने को मिल जाती है जो कि क्रिएटिव प्लस में मिसिंग है। बाकी शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। दोनों की लेंथ सेम 3.8 मीटर है और 2445mm का व्हील बेस दोनों वेरिएंट्स में हमें देखने को मिल जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स दोनों के साइड लुक का कंपेरिजन। चलिए अब मूव करते हैं बैक लुक की तरफ। तो बैक से देखने पे जो आगे से फ्रंट जो अपील है कार का वो काफ़ी ब्रॉड लगती है, पर पीछे से कार उतनी ब्रॉड नहीं लगती है और लोग इसके पीछे के डिज़ाइन से थोड़ा नाखुश हैं, और हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट में इसका बैक लुक को चेंज किया जाएगा। बाकी अभी की बात करें तो दोनों में LED टेल लाइट देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ रियर वाइपर, वाशर एंड डिफॉगर तीनों चीज़ देखने को मिल जाती है। साथ में रिवर्स कैमरा भी दोनों वेरियंट्स में हमें देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ हमें रिफ्लेक्टर्स ब्लैक्ड आउट फिनिश देखने को मिल जाती है, साथ में पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो पीछे का लुक दोनों का बिल्कुल सेम है जैसे कि फ्रंट में हमें देखने को मिल गया था। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एक्सटीरियर का कंपैरिजन टाटा पंच के क्रिएटिव प्लस एंड एकम्प्लिस प्लस एस वेरिएंट के बारे में। चलिए इंटीरियर में स्टार्ट करते हैं, डोर के पास है। तो डोर में नीचे में स्पेसिंग आपको अच्छी खासी दोनों वेरिएंट में हमें देखने को मिल रही है। बाकी ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग सिर्फ हमें क्रिएटिव प्लस में मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोर्ड ORVMs दोनों वेरिएंट में मिलते हैं। दोनों में क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्टेयरिंग की बात करें तो क्रिएटिव प्लस में लेदर रैपिंग मिलती है जो कि एकम्प्लिस प्लस में मिसिंग है। बाकी क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। दोनों की MID बिल्कुल सेम दी गई है, जहाँ पे आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंच का दोनों में देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे रिवर्स कैमरा का भी इंटीग्रेशन है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाती है। AC वेंट्स के अराउंड आपको सिल्वर गार्निश दोनों वेरियंट्स में भी देखने को मिल जा रही है। डुअल टोन का इंटीरियर है और काफ़ी मजबूत फील होती है। 5-स्टार रेटेड NCAP कार है। बाकी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों वेरियंट्स में, टाइप सी की भी चार्जिंग दोनों वेरिएंट्स में मिलती है। हालांकि क्रिएटिव प्लस में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। 5-स्पीड का ट्रांसमिशन दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। दोनों वेरिएंट्स में फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर बात करें तो ओवरऑल जो विजिबिलिटी है कार का काफ़ी अच्छा है और आपको बोनेट के एजेस भी दिख जाते हैं। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल ORVM दोनों में, रीडिंग लैम्प्स
लेकिन एकम्प्लिस प्लस में हमें सनरूफ भी देखने को मिल जा रही है, जो कि क्रिएटिव प्लस में हमें मिसिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप सनरूफ कंसीडर कर रहे हैं देन तो आपको एकम्प्लिस प्लस ही को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव प्लस में आपको और एडिशनल 45,000 लगेंगे तब आपको सनरूफ मिलने वाली है। बाकी जो डुअल टोन इंटीरियर है वो स्ट्रेच करता है और काफ़ी अच्छा लगता है। कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में नीचे में स्पेसिंग डोर के पास पैसेंजर साइड में भी देखने को मिल जाती है। सीट्स की अपहोस्टी फैब्रिक प्लस लेदर मिक्स्ड है और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। साथ में जो ड्राइवर सीट है वो भी हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है दोनों वेरिएंट्स में। तो ये आगे का कंप्लीट इंटीरियर था। चलिए अब बैक पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। तो बैक में सीट्स से बात करें तो सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और आपको अच्छे रिक्लाइन एंगल के साथ मिलते हैं दोनों में। यहाँ पे बात करें तो क्रिएटिव प्लस में आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, साथ में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको एकम्प्लिस प्लस में फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि एक बुरी बात है। बाकी रियर डिफॉगर दोनों में देखने को मिल जा रहा है। अंडर थाई सपोर्ट सेम है दोनों में। पीछे में हमें एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जा रही है। तो इस मामले में और दोनों का नीचे का जो पोर्शन है बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी हम्प देखने को नहीं मिलते। पावर विंडोज़ क्रोम डोर हैंडल्स दोनों के देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये था कंप्लीट इंटीरियर फ्रेंड्स दोनों कार का। बाकी आप दोनों के कलर ऑप्शंस को भी आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों कार्स के बीच में। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।